प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने सदैव वैदिक धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी। चाणक्य की मौत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उसके पुत्र बिंदुसार के हाथ में आ गई। बिंदुसार ने अपनी दीक्षा आजीवक संप्रदाय से ली, जिसके चलते वह भी वेद विरोधी सोच वाला बन गया और उसने इसी सोच का प्रसार किया। जब बिंदुसार का पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा तो शुरुआत में उसने खूब हिंसा का सहारा लिया। अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए उसने पूरे कलिंग को तबाह कर दिया। इसके बाद उसने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक का साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। हालांकि कलिंग विजय के बाद अशोक का सीमा विस्तार करने से मोह भंग हो गया। इस युद्ध के बाद उसने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण मौर्य साम्राज्य बिखर गया, क्योंकि पूरा मौर्य साम्राज्य युद्ध और हिंसा से दूर हो गया था। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिशों में लग गए। इसी के फलस्वरूप अशोक की मृत्यु और वृद्धरथ के अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया था। वहीं इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, वह अब अपनी वीर वृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। इसका कारण था बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक मजबूत शासक की जरूरत थी। जल्द ही उसे पुष्यमित्र शुंग नाम का वो महान शासक मिल ही गया। राजा वृद्धरथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उसे लेकर पुष्यमित्र के मन में विचार उठते रहते थे। इसी बीच राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। सरल शब्दों में कहा जाए तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी शुरू हो गई। वह ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाने लगे। ये खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, उसने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने के लिए आज्ञा मांगी। मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से इनकार कर दिया। इस दौरान सेनापति पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों समेत मठों की जांच करने चला गया, जहां जांच के दौरान मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए और इन्हें देखते ही मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। वृद्धरथ को सेनापति पुष्यमित्र का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक सैनिक परेड के दौरान ही राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने वृद्धरथ की हत्या कर दी। वहीं माना यह भी जाता है कि एक रात पुष्यमित्र ने राजा वृद्धरथ को अकेले दरबार में बुलाकर धोखे से मारा था। बहरहाल वृद्धरथ की हत्या हो चुकी थी। हत्या के बाद सेना ने पुष्यमित्र का साथ दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर दिया। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया।
पुष्यमित्र शुंग अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहता था। पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से बाहर खदेड़ा। राजा ने ग्रीक सेना को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिसके बाद वह दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने नहीं आए। इस तरह राजा पुष्यमित्र ने भारत से ग्रीक सेना का पूरी तरह सफाया कर दिया था। दुश्मनों से आजादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की। पुष्यमित्र शुंग ने भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, वह फिर से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। वहीं इतिहास में कुछ जगहों पर इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। माना यह भी जाता है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने ग्रीक शासकों की मदद कर राजद्रोह किया था। इसी के आरोप में पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे देशद्रोही क्रूर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सजा दी थी। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। भारत के अधिकतर हिस्से पर दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म की विजय पताका लहराने वाले पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर 36 वर्षों तक शासन किया।